वो रुक जाता है, ज्यादा घुमाओ ना, ज्यादा घुमाओ, पप्पू को बोलो ज्यादा घुमाओ, और घुमाओ और घुमाओ। अरम का गिफ्ट, अरम का गिफ्ट आया, गंदा काका। कितना प्यारा है ना अरम, कितना चार है अरम का, तो कितना चार है मामा। गुड, बस अब हैप्पी हो गई हो ना, आज मेरा बेटा अब सोए, क्या बस अब कर लिया ना, अब सोई सोई करते हैं मेरा सोना। बेटा नीनू आई है ना मम्मा को भी, क्यों अभी आपने सोना नहीं है, क्यों नीनू नहीं आ रही, क्यों? ये फिर से चल गया, कितना हैप्पी होता है हम, है खुद से ना ना रोको, वो खुद ही रुकेगा, आप ना रोको, वो देख लो उसको रोक देते हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और मैं नहीं इस वक्त ठीक ठाक, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम नज़ला खांसी हुआ पड़ा है, और आज मौसम भी बाहर बहुत हसीन हो गया, सुबह के टाइम काफ़ी धूप थी लेकिन इस वक्त काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका हुआ है, और आज जो है ना तबीयत साथ नहीं दे रही, और बस समझ ही नहीं आ रही क्या करें। खाना शाना बना लिया, खा भी लिया हुआ है, आज हमने बनाया है आलू गाजर मटर, और साथ में बनाया हमने आलू और मेथी, आज दो दो सालन बने हुए हैं, क्योंकि आलू मेथी मैंने और मेरे हस्बैंड ने नहीं खानी, और आलू मटर गाजर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों खा लेंगे, और उसके अलावा लाइट भी अभी जा चुकी है, 3:15 जाती है, 3:15 गई नहीं, आज 4:15 बजे गई है, और अब देखें कब आती है। मौसम बहुत हसीन हो गया, और थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी मैंने शूट किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और साथ में जो मेरी बर्थडे ब्लॉग था अरहम का। फ्रेंड्स, मैं एम्पोरियम मॉल गई हुई थी ना 2-3 दिन पहले, तो मैं वहाँ से ना अरहम के लिए ना ड्रेस खरीद के लेकर आई थी, ये मुझे बहुत पसंद आया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसको मैंने पहना के चेक करवाया था, तो इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, प्यारा लगा था, और एक ये शर्ट लेकर आई थी, ये मैंने इसको पहना दी थी, तो ये मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं थी, तो अभी मैंने सोचा कि मैं प्रेस करने लगी हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस तरह के बच्चों को कपड़े अच्छे लगते हैं, कलर और इस तरह के कॉम्बिनेशंस अच्छे लगते हैं बच्चों पे। वैसे मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम अरहम को जो है ना इस तरह का ड्रेस पहना रही हूँ, और वो देखें बाहर उसके पापा चले गए हैं कहाँ पर ऑफिस, और वो देखे जनाब साहब अकेला ही गाड़ी में बैठ के लगा हुआ, गद्दा बेबी क्या कर रहे हो। तो मैं अभी इसके कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, तो इसके पापा ने अभी थोड़ी देर तक आ जाना है, क्योंकि इनकी आज मीटिंग है, तो इन्होंने दोबारा से ज़रा न्यू कपड़े पहन के अच्छे से भन ढन के जाना, तो बस मैं इनके कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी जा सकती है, और आप लोग मेरे गले से समझ ही सकते होंगे कि मेरी कितनी बुरी हालत हुई है, खांसी ज़ुकाम बहुत बुरा हाल हुआ है अरहम का भी और मेरा भी, हम दोनों का, और वो तो अभी शरारतें कर रहा है, और मैं जो है ना बैड अभी फटाफट से कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो उन्होंने भी आ जाना किसी वक्त भी। फ्रेंड्स, ये देखिए सर्दियों की पहली बारिश, बाहर आज जो है ना बारिश हो रही है, और बहुत ही अच्छा हसीन मौसम हो गया, सुबह के टाइम बहुत तेज़ धूप थी और धूप चुभ रही थी, और इस वक्त मौसम चेक करें फ्रेंड्स, ये देखें कितना अच्छा मौसम हो गया, आसमान का भी देखें क्या हाल है, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है, और हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि बारिश हो, तो आज हो ही गई है, और इसको देखें इसने रोना डाला हुआ है, ये कहता है मैंने बारिश में नहाना है, ये कितनी बुरी बात है बेटा, ये सर्दियों की बारिश है, इसमें नहाते नहीं, इसमें बीमार हो जाओगे आप, गर्मी की बारिश में नहाते हैं, इतना गुस्सा करता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ये अब, लेकिन चले हम तो एंजॉय करते हैं, इसने नहीं एंजॉय करना, तो ये देखिए माशाल्लाह फ्रेंड्स, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है, इसको भी जुकाम खांसी, इसी से तो मुझे भी जो है ना वो खांसी और ज़ुकाम लग गया, और मेरा बड़ा बुरा हाल है, और ये इसकी नानों ने गाड़ी दी थी, ये इसकी बर्थडे का गिफ्ट है, ये कब से गाड़ी गाड़ी लगा हुआ था, तो इसकी नानों ने इसको ये गिफ्ट दिया था, तो ये तो आप लोगों ने इसकी बर्थडे वाली वीडियो में देखा ही है, तो मैंने सोचा एक दफ़ा फिर दिखा दें मैं आपको, वो वाली वीडियो इसके साथ अटैच ज़रूर करूँगी,
जिस दिन ये गाड़ी आई थी कि इसकी बर्थडे से पहले ही गाड़ी आ चुकी हुई थी, तो लेकिन ये है कि हमने दिखाई किसी को नहीं थी। तो जो इसका फर्स्ट डे का फर्स्ट जो इसका एक्सप्रेशन था फेस का, वो देखने वाला, वो मैंने कैप्चर किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ था गाड़ी को देखे। और उस दिन ये सारा दिन जो है ना, मतलब कि रात को आई थी तो ये काफ़ी टाइम तक ना गाड़ी में ही बैठा रहा था, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे हम मज़ा आ रहा, नानों को थैंक यू बोलना, बोलो ऊंची आवाज से बोलो, थैंक यू नानो, थैंक यू नानो। ये काफ़ी टाइम से पीछे पड़ा हुआ था मामा के, कि मैंने ना नानो गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो नानो ने ना इसको गिफ्ट कर ही दी गाड़ी। हैप्पी हो गाड़ी लेके? ये जब भी इम्पोरियम मॉल जाता था ना तो ये बहुत ज़्यादा तंग करता था, तो ये उतरता ही नहीं था गाड़ी से। वो 300 की राइड होती थी, आप समझ लें कि हमारे यहाँ से लेके वो दरवाजे तक बस इतनी सी राइड वो देते थे, तो 300 पूरे कर लेते थे, तो ये उतरता ही नहीं था। तो इसकी नानों ने कहा मैं इसको इंशाल्लाह अब इसकी बर्थडे पे गिफ्ट करूँगी, सरप्राइज़ करूँगी इसको। हाँ जी, तो फिर आप निकल जाओ, जल्दी से निकलो बीच में से, शाबाश। पापा पिटाई करते हैं ना, नहीं निकलना, नहीं निकलना। अच्छा, अपने कपड़े गंदे नहीं करने, ओके? पापा को भी दिखाने हैं कि अमन कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह। फ्रेंड्स, आप लोग भी बोले माशाल्लाह, और इसकी तबीयत के लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। हम मामा बेटा जल्दी जल्दी से जो है ना ठीक हो जाए। हाँ जी, पापा तो ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो गए हो? चलो मैं बेडशीट वगैरह ठीक करके आऊँ, रूम क्लीन करके आऊँ। आप दूध पियो और आता आके ना सिरप पी लो, ओके? ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको बहुत सारे पैसे मिले थे। इसकी दादों ने इसको, दादो और दादा बू ने इसको 10,000 दिया था, 10,000 इसकी बड़ी पुप्पो और छोटी पुप्पो ने दिया था। और इसके अलावा इसकी 20,000 इसके ताया बू ने भेजी इसकी बर्थडे का गिफ्ट। और उसके अलावा जो है ना फ्रेंड्स, मेरी जो मामा की फ्रेंड आई थी, 2,000 उन्होंने दिया, और 1,000 दादो नीचे से देख गई। माशाल्लाह से इसको बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए थे। अभी मैं इसके सामने इसलिए नहीं दिखा रही, छुपा के दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर ये जो है ना ज़िद करते हैं कि मुझे मनी दो। और उसके अलावा 50,000 की इसकी नानो ने जो है ना इसको कार्ड लेके दी थी। तो ये इसके सारे गिफ्ट्स थे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी हेल्प करा रहे हैं अब रूम क्लीन करवाने में, तो ये सारे पिलो वगैरह उठा के नीचे रखेगा और फिर मेरी हेल्प करवाता है। ओके ओके, आप जल्दी से सारे उठा के नीचे रख दो। शाबाश, गुड बॉय। ये देखो ना कितना ज़्यादा गंद मचा हुआ है, धूप भी आज अच्छी निकली हुई है, चुभने वाली धूप है फ्रेंड्स। लेकिन कभी अब ऐसा हो रहा है, कभी धूप जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, मौसम बहुत मज़े का हो रहा है। क्या हो गया, गिर गई हो? ध्यान से चोट ना लगवा लेना अपने आप को। तो फ्रेंड्स, मैं ये रूम क्लीन कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अरे हमको सरप्राइज मिल गया भाई, चूल्हा थोड़ा सा पीछे कर दो ना आपने। वाओ, मिठाई ना खवाई ने। ओ मसरूर भाई, मुझे पोपट दे दो। ओ, उसके पोपट के। एक मिनट, ये लो। ओ वे फेट सुट दिते। अरहम, मुंह तो देखो जरा उसका। उसका मुंह तो चेक करो। म्यूजिक भी चलाओ भाई। मैं क्या करूं? नहीं, मैं गाड़ी चलाने लगा हूँ, अभी रुको।
बस उसी ने बैठना, उसके अलावा किसी ने भी नहीं बैठना। अंदर चला गया। अरे हम आप मुझे भी बैठने दो, मुझे भी बैठने दो। नहीं नहीं अरे हम मामा को भी बाय 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 बाय। ओ क्या कर रहे बेटा, गिर जाएगी। इधर छोड़ो, मैं आपको देती हूँ, पीछे होके बैठो। चलो इधर पीछे पीछे होके बैठो ना। चलो आप अपनी जगह पे बैठो, मैं आपको ना देती हूँ, ठीक है? ओके ओके, मैं आपको देती हूँ, सब कुछ दूंगी। ओके, मजे किया, मजा आता है फिश खाने का, मजा आता है। इतने दिनों से अरहम ने ही शोर मचाया हुआ था मैंने फ़िश खानी है, और आज भी इसने ज़िद कर करके बोला मैंने फ़िश खानी है। तो बस अभी हम फ़िश खाने के लिए आए हैं यहाँ पर, अभी बस हमारा खाना चल रहा है, और हम खाना खा के उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? घर, घर जाएंगे। कह रहा था मैंने घर पर नहीं खानी, मैंने यहाँ पर ही खानी। ओके चलो अब खाना स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर व्लॉग आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह